हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से एसएससी जेई के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं एफएम की बात कर रहे हैं, हम फूड मशीन्स की, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज लास्ट वीडियो है, मैं बात कर रहा हूँ 10 सितंबर की, तो आज फ़िलहाल के लिए लास्ट वीडियो, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और भी वीडियोज़ हम इस एफएम की प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। क्वेश्चंस के सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, आज लास्ट वीडियो क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा गया है इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखो हमने लास्ट वीडियो में टर्बाइन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज पंप में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। पंप वाले चैप्टर की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट जो भी आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात की जा रही है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो एंटर्स द चैम्बर अलोंग एक्सिस ऑफ चैम्बर एंड इज डिस्चार्ज। कहा गया कि जब फ्लो एंटर करता है, वाटर जब एंटर करता है, तो वो जो चैम्बर है तो उसके एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारा फ्लो रहता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तब वो कैसा होता है, यानी कि जो इनलेट हमारे पास कहा गया है वो एक्सिली है, एक्सिल डायरेक्शन में रहता है, तो डिस्चार्ज कैसा रहता है ये हमको हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि डिस्चार्ज रेडियली रहता है, सेकेंड में है डिस्चार्ज एक्सिली रहता है, थर्ड में है कि कुछ एंगल में रहता है, डी में से कुछ भी नहीं। अब हमें यह बताना है, देखो डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूरा समझा था डायग्राम के साथ, वहाँ पे हमने देखा था कि जो इनलेट है वो एक्सिस के लॉन्ग रहता है, बट जो डिस्चार्ज रहता है वो रेडियली रहता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा रेडियली। यह मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पर, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का चैप्टर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने कभी डायग्राम भी देखी होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, आप इसका आंसर इजीली दे दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है इन्हें सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिर से सेंट्रीफ्यूगल पंप पर क्वेश्चन आया है और कहा गया है लिक्विड एंटर्स द पंप, जब लिक्विड पंप में एंटर करता है तब वो कहाँ पर एंटर करता है, एट द सेंटर, सेंटर में एंटर करता है, एट द टॉप, टॉप में एंटर करता है, बॉटम में एंटर करता है, फिर एजिस में एंटर करता है। अब ये भी जो बेसिक जो हमने जो बेसिक जो वीडियो थी सेंट्रीफ्यूगल पंप पर, वहाँ पर डिस्कस किया था हमने, एक सेक्शन आता था जिसे हम आई कहते थे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का बिल्कुल सेंटर में आता था, तो वहाँ पे वाटर एंटर करता था जाके, तो यानी जो लिक्विड एंटर करता है वो बिल्कुल सेंटर में जाके एंटर करता है, जिसे हम आई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है डिस्चार्ज थ्रू ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, अब इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, डिस्कस किया था, यहाँ पर कहा गया है, याद रखना सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में कहा गया है और डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछा, इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला रहता है डिस्चार्ज का। अब हमने डिस्कस किए थे फॉर्मूलेज, देखो ALN दो बार ऑप्शन आया था, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, आपको अगर कन्फ्यूजन होगी भी तो आपको इस ऑप्शन में होगी या फिर इस ऑप्शन में होगी, तो जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, A(L)(N)/60। अगर हमने डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तब हमारे पास ये वाला फार्मूला था डिस्चार्ज का, बट यहाँ पे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कहा गया है तो ये वाला फार्मूला आएगा, मैं डिराइव भी करता कैसे आया था। ठीक है, तो इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ समझाने वाला होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कैविटेशन इज़ कॉज्ड बाय, कैविटेशन किसके कारण होता है, हाई वेलोसिटी के कारण होता है, हाई प्रेशर के कारण, वीक मटेरियल के कारण, या फिर लो प्रेशर के कारण। अब कैविटेशन की बात की जा रही है, कैविटेशन पर हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, हमने देखा था वहाँ पे कई बार लो प्रेशर जो हमारे पास वो कम रह जाता था, लो प्रेशर हमारे पास आता था, उसके कारण हमारे पास कैविटेशन का फिनोमेना जो वहाँ पे होता था, तो लो प्रेशर के कारण कैविटेशन होता है। अब इसके कारण कैसे होता है वो ज़्यादा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, उसके अलग से वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है एयर वेसल्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज टू, हम एयर वेसल्स की बात करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात की जा रही है, इस पर भी वीडियो बनी है, तो देखो जो वीडियोज़ बनाई है मैंने उन्हीं पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो 98 से 99% क्वेश्चन जो मैंने कवर कर लिए हैं, बाकी 1% रह गए हैं वो नहीं डिस्कस किए होंगे। अगर थ्योरी पोर्शन की बात करूँ तो एसएससी जेई के अकॉर्डिंग मैंने 90 से 95% तक का सिलेबस कवर किया थ्योरी के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस में आज 99 या 98% कवर कर ही लूँगा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है एयर वेसल्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज टू, एयर वेसल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में, ऑप्शन ए में कहा गया फ्लो को स्मूथ करने के लिए, बी ऑप्शन में कहा गया पंप के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन में कहा गया एक्सेलरेशन को कम से कम करने के लिए, डी ऑप्शन में कहा गया पंप को कैविटेशन से बचाने के लिए। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो हमने पढ़ा नहीं था एयर वेसल के वीडियो में,
हाँ वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि एयर वेसल्स के कारण क्या होता है, फ्लो स्मूथ हो रहा था, एफिशिएंसी भी बढ़ रही थी। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और एक्सेलरेशन टू मिनिमम इसका मतलब है कि कई बार स्पीड ज़्यादा हो जाती थी वाटर की, कई बार कम हो जाती थी, उसको मेंटेन करते थे। हमने तीनों चीज़ें पढ़ी थी, अब तीनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा वो हमें सेलेक्ट करना है। देखो पंप की एफिशिएंसी बढ़ रही थी, ठीक है, बट किसके कारण बढ़ रही थी वो चीज़ें भी यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है तो ये तो हो नहीं सकता। अब स्मूथ एंड फ्लो, फ्लो स्मूथ चल रहा था उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ रही थी, हाँ ठीक है ये हम मान सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ रही थी किसके कारण बढ़ रही थी वो हमें गिवन है, और रिड्यूस एक्सेलरेशन टू मिनिमम, फ्लो क्यों स्मूथ हो रहा था क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन, कभी फ्लूड एक्सेलरेट कर रहा था, कभी डेक्सेलरेट कर रहा था, कभी स्पीड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, कभी कम तेज़ी से बढ़ रहा था ना, तो एक तरह से स्मूथ फ्लो नहीं था। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन या डेक्सेलरेशन वगैरह को कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमारे पास स्मूथ फ्लो हो रहा था। यानी कि सब कुछ किसके कारण हो रहा था, इसके कारण हो रहा था, तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया मैंने क्या कहा तो आप एयर वेसल्स की वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द पंप इज यूज फॉर विस्कस फ्लूड्स, विस्कस फ्लूड्स के लिए कौन से पंप को यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को, स्क्रू पंप को, रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर जेट पंप। तो स्क्रू पंप इसका राइट आंसर है, इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई ना ही कभी डिस्कस किया है, तो बट क्वेश्चन आया फिर भी इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा स्क्रू पंप। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं था। अगर इन दोनों ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना होता सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप में से, तो अगर देखो जो पहले पंप थे, अगर हम पहले की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो थे उनको हम यूज़ करते थे विस्कस फ्लूड्स के लिए, बट आज इस टाइम की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को यूज़ किया जाता है हाई विस्कस फ्लूड्स के लिए। बट अगर स्क्रू वाला ऑप्शन भी आ गया तो स्क्रू पंप को, इन दोनों के कंपैरिजन में स्क्रू पंप को ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर विस्कस फ्लूड हो हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेंड व्हेन ब्लेड्स आर, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात की जा रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कब मिलती है जब ब्लेड्स कैसे होते हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ बेंट रहते हैं, आगे की तरफ बेंट रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, फिर उनका एरोफॉइल सेक्शन रहता है। हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप की बेसिक जो वीडियो थी उसमें डायग्राम देखी थी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, इस तरह से ब्लेड थे उसके ना, इस तरह से ब्लेड थे, यानी कि ये ब्लेड अगर स्ट्रेट है तो अगर अगर फॉरवर्ड बेंट होता तो इस तरह से रहता, बट ये बैकवर्ड पीछे की तरफ बेंट है ना, तो यहाँ पे बेंड बैकवर्ड, ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वाई इज़ मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम मल्टी स्टेजिंग को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इंपेलर्स को आपस में अटैच कर देते हैं हम, वो सब हम चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, हाई फ्लो रेट के लिए यूज़ करते हैं, हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं, हाई स्पीड के लिए, फिर हाई एफिशिएंसी के लिए। तो हाई स्पीड या फिर हाई एफिशिएंसी तो हम यूज़ करते नहीं, हम यूज़ करते हैं या तो हाई फ्लो रेट के लिए, हाई डिस्चार्ज के लिए, या फिर हाई हेड के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि हमने दोनों के बारे में पढ़ा है कि हाई फ्लो रेट के लिए भी यूज़ करते हैं, हाई हेड के लिए भी यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है हम उनको सीरीज़ में अटैच कर रहे हैं या पैरेलल में अटैच कर रहे हैं। बट मैक्सिमम केसेस में हम जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की मल्टी स्टेजिंग की बात करें तो हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अगर किसी ऑप्शन में गिवन होता बोथ ए एंड बी तो हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर वो नहीं है, इन दोनों में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जो तीन चार क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँ 6 से 9 तक, ये क्वेश्चन कम से कम भी रिपीट हो रहे हैं, 2-3 साल में एक बार रिपीट होते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर कहा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप को जब हम स्टार्ट करते हैं तब क्या किया जाता है, डिलीवरी वॉल्व को हम पूरी तरह से ओपन रखते हैं, डिलीवरी वॉल्व को क्लोज रखा जाता है, इनलेट वॉल्व को क्लोज रखा जाता है, फिर डिलीवरी वॉल्व को थोड़ा सा ओपन रखा जाता है। अब हमने पढ़ा था, एक फिनोमेना था हमारे पास प्राइमिंग वगैरह का, सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग वगैरह करते थे, वो अब सब वीडियो आपको पता होगा प्राइमिंग के बारे में, तो वहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस भी की थी। वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट किया जाता है तो डिलीवरी जो हमारे पास रहती है वॉल्व उसको पूरी तरह से क्लोज़ किया जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा कि डिलीवरी वॉल्व को पूरी तरह से बंद रखा जाता है। ठीक है, तो आज हो गया हमारे पास FM का सिलेबस कंप्लीट, क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप सारे जो क्वेश्चंस की वीडियोस देख लोगे तो ही देखना, कम से कम भी अगर अप्रॉक्सीमेटली मानो 100 क्वेश्चन तो कम से कम मैंने डिस्कस किए होंगे FM के, इन 100 में से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन जब बताता था उसे रेडी क्वेश्चन भी बताता था कि ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, अब हम जाएंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन की तरफ, उसके बाद फिर से टेक्निकल सेक्शन की तरफ आएंगे, तो आज के जो क्वेश्चंस में किसी भी तरह का डाउट है
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।